अपहृत मुंशी को नक्सलियों ने गया पुलिस के दबाव में आकर मुक्त कर दिया है। 24 दिसंबर की देर रात नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगे 3 कर्मियों को फिरौती के लिए अगवा कर लिया था। 2 मजदूरों को उसी दिन ही छोड़ दिया, जबकि मुंशी को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए लेवी का डिमांड किया गया था। इस बात की जानकारी गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि 24 दिसंबर की शाम नक्सलियों ने सेल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी शाहनवाज खान को अगवा कर 30 लाख रुपए की लेवी डिमांड की गई थी। घटना के बाद गया पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसी अपहृत मुंशी शाहनवाज खान को खोजने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। अगवा मुंशी शाहनवाज खान की बरामदगी के लिए नक्सली विवेक यादव पर 3 लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि लगातार छापेमारी को देखते हुए नक्सली काफी दबाव में थे और यही कारण है कि वे गुरुवार की देर रात नक्सलियों ने अगवा मुंशी को जिले के बांके बाजार मंदिर के समीप छोड़ दिया। दिनांक 24/12/23 की रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सलियों के द्वारा लुटुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत असुराइन रोड में पुल निर्माण में लगे कंपनी के कर्मचारियों को अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई तुरंत इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा जो अपहृत है उनकी बरामदगी के लिए तुरंत जो वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, गया पुलिस है तथा एसटीएफ है, इनकी टीम्स को बना करके जो अपहृत है उनके खोज के लिए तुरंत टीम निकाली गई तथा छापेमारी के लिए टीम निकाली गई। लगातार इस संबंध में जो कहते हैं बहुत आ रही थी, क्योंकि जब हमें ले गया तो रात का समय था और पूरे पैदल चला रहे थे, पहाड़ पे ले जा रहे थे। कितने किलोमीटर लगभग पैदल? लगभग मे भी 5-6 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे ले गए थे। आपके साथ क्या कैसा व्यवहार कर रहे थे? व्यवहार तो बहुत गंदा था। क्या कहते थे? बस धमकी देते थे, पैसा नहीं आया तो जान मार देंगे, नहीं तो फिर तुम सीट के पार्टी में चले। किस तरह के हथियार लगते? हथियार तो अब किस तरह का बताया, वो हथियार तो पहले मैं देखा नहीं था कभी। मन में क्या भावना उस समय? परिवार से फिर मुलाकात हुई?